सीएम शिवराज सिंह चौहान श्यामला हिल्स स्थित कांग्रेस नेता गोविंद गोयल के निवास पहुंचे और बीजेपी के मतदाता पर्ची वितरण अभियान में शामिल हुए। सीएम ने गोयल परिवार के सदस्यों को मतदाता पर्ची देकर मतदान करने की अपील की है। इस दौरान रहवासियों ने भी तिलक लगाकर सीएम का स्वागत किया। मतदाता पर्ची बांटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज से अपने मतदाता भाई बहनों के बीच मतदाता पर्ची बांटने का काम शुरू किया गया है और इससे मतदाताओं को अपने पोलिंग बूथ की जानकारी मिलेगी। केवल पर्ची नहीं, हम संपर्क करके आवश्यक वोट डालने का आग्रह कर रहे हैं। सीएम ने प्रत्याशी भगवान दास सपनानी के साथ मतदाता पर्चियां बांटकर बीजेपी को वोट देने की भी अपील की है। अपने भाई बहनों के बीच, मतदाता भाई बहनों के बीच, बेटे बेटियों के बीच पर्ची बांटने का काम प्रारंभ कर रहे हैं। पर्ची से मतदाता को जानकारी मिल जाती है उनके पोलिंग बूथ कौन सा है, और केवल पर्ची नहीं, हम संपर्क करके ये आग्रह और अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर डालें और मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए और जनता के कल्याण के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हमारे यहाँ के प्रत्याशी भगवान दास सवनानी जी के साथ आज मैंने अपने मतदाता भाई और बहन, जो हमारा परिवार है, उनसे संवाद किया, संपर्क किया, पर्चियाँ बांटी और अपील की कि बीजेपी को वोट करें, वोट जरूर।